हेलो एंड वेलकम टू सिंपली स्वादिष्ट। और आज की हमारी रेसिपी है चिकन दम बिरयानी। आज मैं आपको बताऊंगी ये कैसे बनाते हैं। तो चलो देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या लेना है। सबसे पहला, चिकन बिरयानी बनाने के लिए हमें लेना है चिकन। तो मैंने आधा किलो चिकन लिया है और आधा किलो चिकन के हिसाब से मैं आपको बिरयानी बताऊँगी। ये है आधा किलो चिकन विद बोन। पीसेस थोड़े मोटे काटने हैं, पतले नहीं। और ये है पुदीना, जो मैंने एक बोल पुदीना लिया है। आप देख सकते हैं कि कितना लेना है। आधा बोल धनिया लिया है, एक इंच अदरक, 10 लहसुन के क्लोव्स, 6 हरी मिर्च, ध्यान रखें काफ़ी तीखे मिर्च ना हो, और एक नींबू का रस, 125 ग्राम दही। अब मसालों में मैंने लिया है आधा छोटा चम्मच हल्दी, 3 छोटे चम्मच लाल मसाला पाउडर, 2 छोटे चम्मच गरम मसाला घर पे बनाया हुआ, और स्वाद अनुसार नमक। गरम मसाले की रेसिपी मैंने ऑलरेडी सिंपली स्वादिष्ट में डाली हुई है। 300 ग्राम बासमती चावल, आप कौन सा भी बासमती चावल ले सकते हैं। 3 मीडियम साइज प्याज, जिसे इस तरह मैंने पतला पतला काटा हुआ है। एक टमाटर, वो भी इस तरह पतला काटना है। खड़ा मसाला में मैंने लिया है 2 तेज़पत्ता, 2 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 2 काली मिर्च, 3 लौंग और 2 एक एक इंच के दालचीनी का टुकड़ा। और ये है मार्केट का बाहर का बिरयानी मसाला, जो मैंने लिया है बिकॉज़ इसमें जो ये ड्राई आलू बुखारा है वो अच्छा फ्लेवर देता है बिरयानी में। अगर नहीं भी लिया हो तो भी चलेगा, ये ऑप्शनल है। मैंने 1 टीस्पून ही लिया है। और थोड़ा सा केसर, जिसमें मैंने जो ऑलरेडी मैंने दूध में गुनगुने दूध में डाला हुआ है ताकि अच्छे से उसका फ्लेवर आए। तेल, 1 टेबलस्पून घी और 2 ड्रॉप केवड़ा एसेंस, जो हमें पानी में मिक्स करना है, 2 टेबलस्पून पानी में मिक्स करना है और फिर उसे डालना है। अब सबसे पहला हमें इस मसाले का पेस्ट करना है ग्राइंड करके। देखिए इस तरह हमें ये मसाला ग्राइंड करना है। अब हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। सबसे पहला जो हरा पेस्ट बनाया हमें वो डालना है। आप ये सब सारी चीज़ें छोटे छोटे पीसेस करके भी डाल सकते हैं, बट बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं क्या उन्हें मसाला लगता है दांतों में, इसीलिए मैं पेस्ट करती हूँ। उसके बाद उसमें हमें दही ऐड करना है, एक नींबू का रस लेना है, हल्दी डालिए आधा चम्मच, 3 चम्मच लाल मसाला पाउडर, 2 चम्मच गरम मसाला। मेक श्योर आप जब बिरयानी कर रहे हो तो गरम मसाला ताज़ा ताज़ा ही पीसिए, उसका स्वाद ही अलग होता है। अब इसे अच्छे से मिक्स कीजिए, फिर इसमें ऐड कीजिए नमक स्वाद अनुसार, ये भी अच्छे से मिक्स कीजिए। अब इसे कम से कम 2-3 घंटे तक मैरिनेट कीजिए, या आप ओवरनाइट मैरिनेट करेंगे तो बहुत ही अच्छा है। मैरिनेट करने के लिए आप उसे फ्रिज में रख दीजिए। अब जब भी आपको बिरयानी बनानी है तो उससे 2 घंटे पहले आप चावल को भिगा के रखिए। तो चावल पहले अच्छे से साफ़ करके धोइए, उसके बाद 3 ग्लास पानी में 300 ग्राम चावल इस तरह भिगा के रखिए कम से कम 2 घंटे। 2 घंटे बाद उस पानी को निकाल लीजिए। देखिए इस तरह आपका चावल हो जाएगा। और अब अगर आपको बिरयानी बनानी शुरू करनी है तो अब एक पैन में, वेसल में आप पानी गर्म कीजिए। मैंने 3 बड़े ग्लास भर के पानी लिया हुआ है। अब उसे अच्छे से उबाल आने दे, और दूसरी जगह पे एक वेसल में आप 1 चम्मच घी लीजिए, उसके अंदर सारे खड़े मसाले डालिए, जैसे 2 तेज़पत्ता, दालचीनी, वो सब डाला हुआ है, उसके अंदर वो चावल डालना है। अच्छे से उसे 1-2 मिनट तक इस तरह पकाना है ताकि वो घी का स्वाद उसमें अच्छे से आए। हल्के हाथों से उसे इस तरह मिक्स कीजिए। फिर इसके अंदर हमें वो बॉइल्ड पानी डालना है।
देखिए पानी ज़्यादा डालना है बिकॉज़ हमें ऑलरेडी वो पानी ड्रेन करना है, तो इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें हम ऐड करेंगे नमक, मैंने 3 छोटे चम्मच नमक डाला हुआ है। एक्स्ट्रा का नमक पानी जब ड्रेन करेंगे तब निकल जाएगा। अभी एक उबाल आने तक उसे अच्छे से हाई फ्लेम पे हमें चावल को पकाना है। देखिए चावल बहुत जल्दी पक जाएगा, इसीलिए आप इस तरह गैस पे छोड़ के कहीं मत जाइए, चावल पकने दे आपके नज़रों के सामने। अभी थोड़ी देर के बाद देखिए चावल इस तरह 80% तक पक जाएगा, आप वापस चेक कीजिए। चावल ऑलमोस्ट 80% पक चुका है, आप चेक कर सकते हैं। देखिए चावल बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट और टेंडर दिख रहा है और वो पक भी गया है। हार्डली एक दाना बाकी है तो उतना हमें रखना है और इस तरह छन्नी से उसे छान के लेना है। अब देख सकते हैं चावल का एक एक दाना अलग है, इसी तरह का चावल हमें बिरयानी के लिए चाहिए। ध्यान रखे उसे ढक के ना रखे, इसी तरह उसे खुला रखे। अब हमें प्याज फ्राई करना है, इसके लिए ये पतले पतले काटे हुए प्याज को थोड़ा सा नमक लगाना है ताकि जब फ्राई ऑनियन हो तब वो मीठा ना लगे, क्योंकि प्याज ज़रा मीठा होता है, वो मीठा लगता है, इसीलिए हमें थोड़ा सा उसमें नमक लगाना है। नमक लगाने के बाद एक बड़े से वेसल में तेल लीजिए, तेल थोड़ा ज़्यादा लेना है बिकॉज़ हमें ऑनियन फ्राई करना है। अब तेल गरम होने पर देखिए मैंने चेक किया, तेल गरम हो चुका है, उसमें प्याज डाल दीजिए। गैस थोड़ा हाई फ्लेम पे रखना है, नहीं तो प्याज ऐसा लूज़ पड़ जाएगा जो हमें नहीं चाहिए। हमें क्रिस्पी ब्राउन बनाना है उसे, गोल्डन ब्राउन कलर आने तक उसे इस तरह भूनिए। देखिए धीरे धीरे प्याज का कलर चेंज हो रहा है, इसे कंटिन्यू स्टर करना है। थोड़ी देर बाद प्याज इस तरह ब्राउन हो जाएगा, ब्राउन होते ही गैस बंद कर दीजिए, अदरवाइज गरम तेल में वो और होता रहेगा और काला पड़ जाएगा जो कड़वा लगता है, इसलिए ब्राउन होते होते उसे निकालना है। देखिए इस तरह अच्छे से प्याज फ्राई हो चुका है। 3/4 प्याज हमें इस तरह मिक्सर में उसे ग्राइंड करना है, उसका पेस्ट करना है और 1/4 गार्निशिंग के लिए रखना है। अभी उसी तेल में थोड़ा तेल एक्स्ट्रा का निकाल लीजिए और उसी तेल में हमें एक टमाटर डाल के उसे पकाना है। टमाटर अच्छे से गलने के बाद उसके अंदर हम ऐड करेंगे मैरिनेटेड चिकन। सारा चिकन आप डाल दीजिए, ध्यान रखिए धीरे से डालिए, तेल ना उड़े। आप गैस थोड़ा सिम पे कर दीजिए। अच्छे से उसे मिक्स कीजिए। अब इसमें हम ऐड करेंगे बिरयानी मसाला जो मैंने आपको दिखाया था, जो मैंने सिर्फ 1 टीस्पून लिया हुआ है, वो भी बिकॉज़ उसके अंदर वो ड्राई आलू बुखार रहते हैं, मतलब प्रून्स रहते हैं जो अच्छा स्वाद देता है, इसीलिए मैं वो ऐड करती हूँ। अगर आपके पास वो ना अवेलेबल हो तो उसमें कोई बात नहीं, आप नहीं ऐड किया तो भी चलता है, तो भी बिरयानी में बहुत अच्छा स्वाद आएगा। अब ये मसाला डालने के बाद तो अच्छे से मिक्स कीजिए और धीमी आंच पे 10 मिनट तक उसे पकने दे। 10 मिनट के बाद आप उसे चेक कीजिए, देखिए अच्छे से पानी भी छूटा हुआ है, वो चिकन का ही स्टॉक है, हम लोग ने एक्सटर्नल पानी ऐड नहीं किया हुआ है। अब आप चेक कीजिए वेदर चिकन कितना पका हुआ है। चिकन देखिए चिकन 50% तो पक चुका है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे फ्राई ऑनियन का जो पेस्ट था जो हम लोगों ने किया है वो ऐड करेंगे ताकि मसाला भी अच्छा बने इसमें। डायरेक्ट फ्राई ऑनियंस भी डाल सकते हैं बट काफ़ी बच्चे वो ऐसा निकालते हैं, तो ये जब पेस्ट हम ऐड करेंगे तो उसका मसाला भी अच्छे से थिक होता है और वो दांतों के बीच भी नहीं आता है। अब इसी तरह हाई फ्लेम पे थोड़ी देर तक उसे पकाइए ताकि उसका पानी ऑलमोस्ट डिज़ोल्व हो जाए इसमें और तेल छोड़े।
ड्राई अप हो जाए थोड़ा सा। अब इसे हमें दम देना है। उसके लिए एक तवा रखेंगे, मोटा सा, थोड़ा थिक तवा हो। उसके ऊपर हम चिकन रखेंगे और उसके ऊपर अभी हम चावल का इस तरह से लेयर करेंगे। पहले आधा चावल डालिए, उसके ऊपर हम अब फ्राई प्याज डालेंगे जो हमने गार्निशिंग के लिए रखा हुआ है। अब बचा हुआ राइस डालेंगे उसके ऊपर। आप चावल का दाना देख सकते हैं, एक एक दाना आपको ऐसा अलग अलग दिखेगा। अब इस पे हम डालेंगे केसर का दूध और केवड़ा एसेंस। केवड़ा एसेंस मैंने 2 ड्रॉप केवड़ा लिया है और उसके अंदर 2 टेबलस्पून पानी डाल के मिक्स किया है और इस तरह वो डालना है। अब डालेंगे केसर का दूध। इसमें बहुत जन कलर यूज़ करते हैं, ऊपर थोड़ा सा ऑरेंज कलर या येलो कलर डालते हैं, बट कलर सेफ नहीं रहता है, इसलिए मैं इस तरह केसर का दूध डालती हूँ। इससे कलर भी आता है और बहुत अच्छा फ्लेवर भी। अब वापस हम फ्राई अनियंस डालेंगे। और ये लेयरिंग रेडी हो गया है। अब इसे हमें दम देना है। अच्छे से एक लिड से उसे ढक दीजिए। मैं आपको दिखाऊंगी, देखिए इस तरह से ऊपर का प्लेट जो हिले नहीं, प्रॉपर उसके ऊपर बैठ जाता है, वैसा ही प्लेट लेना है। अगर आपके पास कोई वज़न हो तो वज़न रखिए, या फिर फॉइल से उसे रैप कीजिए या आटा लगाइए, जैसे आपको दम देना है वैसे। धीमी आंच पे उसे कम से कम आधे घंटे के लिए दम देना है। ध्यान रखिए धीमी आंच पे। अब आधे घंटे के बाद आप चेक कीजिए। ये बिरयानी रेडी हो चुका है। बहुत ही अच्छा कलर और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ गया है। देखिए अंदर का मसाला भी पूरी तरह से ड्राई हो गया है, बिल्कुल भी ग्रेवी नहीं है उसे, सिर्फ मसाला और पीस और राइस दिखेगा आपको। एक एक दाना आपको चावल का खुला दिखेगा। देखिए इस तरह आप प्लेट में निकाल लीजिए। प्लेट में आप जब सर्व करेंगे तो हमेशा याद रखिए, नीचे हमेशा पहले मसाला डालिए, चिकन की पीस डालिए, एंड फिर ऊपर से वाइट राइस डालिए। इससे दिखने में भी बिरयानी बहुत अच्छी दिखती है। देखिए अब मैं आपको बताऊंगी इसके लिए रायता कैसे बनाते हैं। रायते के लिए मैंने लिया है एक प्याज काटा हुआ है, उसके अंदर बारीक कटा हुआ टमाटो और एक हरी मिर्च लिए हुए, और ऑलरेडी उसमें थोड़ा सा मैंने नमक डाल दिया है। नमक कुछ देर पहले ही डालना है, काफ़ी देर पहले डालने से नमक का पानी छूट जाएगा, इसलिए ध्यान रखिए जब आप सर्व करेंगे तभी नमक डालना है। और फिर एक बड़ा चम्मच मैंने दही लिया है, उसके बाद उसे अच्छे से मिक्स कीजिए और ये आपका रायता रेडी। एंजॉय कीजिए बिरयानी विथ रायता। लंच में खाइए या डिनर में खाइए, जब भी खाएंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। यह है आपकी चिकन दम बिरयानी, बना के देखिए। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।